हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी सेशन फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स। 20 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार। क्या कुछ हम जान सकते हैं आने वाले समय में शेयर मार्केट के लिए? प्लीज रीड दिस डिस्क्लेमर विद ऑल माय पोस्ट, ब्लॉग एंड वीडियोस। सबसे पहले जानते हैं कि हमने कल क्या कहा था और क्या कुछ बाजार में हुआ। हमें लगता था कि बाजार के अंदर ये जो ज्योतिष गणना है इसके हिसाब से बाजार अप रहेगा, बिजनेस आएगा, काफी बिजनेस वाला दिन रहना चाहिए और मार्केट कोरेक्शंस करेगी और प्रॉफिट बुकिंग होगी सेकेंड हाफ पीरियड के अंदर। जैसा कि हमने कल कहा था, मार्केट आज ऊपर रही और बाजार लगभग 18,518 के ऊपर तक गया और उसके बाद इसमें करेक्शंस देखने के लिए मिली, प्रॉफिट बुकिंग्स भी हुई। साइक्लिकल एनालिसिस जो हमने कल दी थी वो एक्यूरेट निकली और बाजार ऊपर जाने के बाद बाजार नीचे डाउन आया। आज मेनली बाजार के अंदर ऑटो, पीएसयू, बैंक और रियलिटी सेक्टर के अंदर मेजर इफेक्ट देखने के लिए मिला। आइए देख लेते हैं कि टेक्निकल रूप के अंदर हमें सबसे पहले बाजार के अंदर क्या नजर आता है लॉजिकली। ये चार्ट है निफ्टी 50 का। जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी 18,591 का लेवल टच करके, दिस इज वन आवर ग्राफ, इट मींस जो हर एक कैंडल आप देख रहे हैं ये 1 आवर की कैंडल है और इसके बाद बाजारों के अंदर यहां पर गिरावट आकर बाजार 18,422 के आसपास क्लोज होता है। 1 आवर चार्ट को अगर हम देखें तो यहां पे एक सपोर्ट लेवल था अप्रोक्सीमेटली 18,450 के आसपास, जिसको कि ब्रेक किया। ये 20 डे की एक मूविंग एवरेज भी है 18,469। रिट्रेसमेंट के हिसाब से कल दो तीन पोजीशंस हो सकती हैं। अगर बाजार गिरता है यानी कि 18,469 को अगर ये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे पास पहला टारगेट 18,590 होगा और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता, यहाँ पर देखिए एक गैप है, इस गैप को ये मार्केट फिल करने की कोशिश कर सकती है तो उसके बाद सीधा सा हमारे पास पहला लेवल 18,322 होगा। मैकडी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे एक डाउन क्रॉसओवर आ चुका है और आरएसआई भी हमारे पास 52 के ऊपर आ चुकी है तो निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को गिरावट लगती है। सो निफ्टी के अंदर अगर हमारे पास अगेन आई वुड रिपीट 18,470 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारे पास पहला जो लेवल है वो इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद 18,520 और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल 18,595 के आसपास आएगा। इसी तरीके से निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखें तो आज इसने एक हाई लगाया 40,039 का और क्लोज होता है ये 39,639 पे। आइए एक बार आवर्ली चार्ट्स देख लेते हैं। आवर्ली चार्ट्स के अंदर भी हमारे को नजर आ रहा है कि मैकडी की बेयरिश क्रॉसओवर फॉर्मेशन हो चुकी है और वॉल्यूम्स भी हैं साथ में। आरएसआई इस लेवल को क्रॉस करने के बाद अभी तक मोमेंटम कुछ भी नहीं है, 86 का मोमेंटम यहां पर था और आज 58 का मोमेंटम आरएसआई का है तो निफ्टी बैंक भी हमारे को कमजोर स्थिति में लगता है। सिंपली यहां पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन है, अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके यानी कि 39,850 के लेवल को क्रॉस करके अगर निफ्टी बैंक सस्टेन्ड करता है तो यू शुड बी इन ए बाई पोजीशन और अगर इस गैप को फिलअप करने की कल बाजार इनिशियली कोशिश करता है तो आपके पास सबसे पहला टारगेट होगा 39,350। सो दीज आर दी टू पोजिशंस विच आर देयर एज पर टेक्निकल एनालिसिस। एस्ट्रोलॉजिकली आज बाजार 20 अक्टूबर वेडनेसडे को मून रेवती में होगा और एस्पेक्टेड बाय मार्स होगा, यानी कि बाजारों की शुरुआत एक अपर ट्रेंड या ऊपरी मूवमेंट से हो सकती है। लेकिन लेटर ऑन 2 बजे जिस समय के ऊपर चंद्रमा अश्विनी के अंदर आएंगे, यहां पर ये यूरेनस की तरफ आगे बढ़ेंगे और सन के साथ एस्पेक्टेड होंगे, ये एक बिग टर्न बीच साबित हो सकता है। इसके 2 रीजंस होंगे। नंबर 1, ये एक पूर्णिमा की तिथि बनेगी और दूसरा, डिस्पाइट ऑफ मार्स साइन मून स्टार केतु इज इन 8, तो चंद्रमा केतु का संबंध अष्टम
चंद्रमा मंगल का संबंध छठे 1-6-8 का संबंध, ये बाजारों को सस्टेंड करने में तो कामयाब रहेगा, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि मार्केट्स अपर साइड के ऊपर सेलर की डिनोमिनेशन के अंदर रह सकती है। सेलर विल स्टार्ट डिनोमिनेटिंग द मार्केट डिस्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग अप। सो इंटरेस्टिंगली स्ट्रेटेजी शुड बी प्रॉफिट टेकिंग एंड ऑटो रियलिटीज, ऑटो एंड रियलिटी कैन शो सम रिकवरी, प्रॉफिट बुकिंग आईटी में आ सकती है। इंपॉर्टेंट चेंज इन ट्रेंड्स आर एट 9:54, 10:54, 12:58, 14 बजे और 2:40। एस्ट्रो टेक्निकल फॉरकास्ट के हिसाब से हमारे पास ये जो टाइम जोन्स हैं, इसके अंदर हमारे पास बाजार शुरू में कुछ ऊपर रह के फिर थोड़ा सा करेक्शन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद डाउन रह सकता है और ये 2:40 के बाद बाजारों में फिर रिकवरी आ सकती है। सो मोर ऑर लेस बाजार एक तरीके से हमें या तो रेंज में नजर आता है या डाउन हमें नजर आता है, बट ये इतना बड़ा डाउन नहीं है। इट इज बेसिकली ये लेवल्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, 18,550 का जो लेवल है वो निफ्टी का एक बेस लाइन बनकर उभरेगा। यहां से अगर ये डाउन होता है तो 18,485, 18,400, 18,282 ये इसके नीचे के सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं। आइए बाय साइड के ऊपर जान लेते हैं क्या कुछ हमारी वॉच लिस्ट में है। भारत डायनेमिक्स आज एक अच्छा सितारा बनकर उभरा, 426 रुपए से ऊपर सस्टेनिंग करने पर भारत डायनेमिक्स को देखा जा सकता है। ग्रेविटा को 215 रुपए की सस्टेनिंग के ऊपर स्विंग के तौर पे देखा जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक 741 रुपए से ऊपर देखना चाहिए, अभी फिलहाल इसका भाव 748 है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 250 रुपए से ऊपर सस्टेनिंग पे देखा जाना चाहिए। इंडिया सीमेंट्स स्टॉप लॉस 215 या इससे ऊपर हमारे को देखना चाहिए। यूनाइटेड ड्रिलिंग करंट मार्केट प्राइस इज 458, सस्टेनिंग 450 इज पॉजिटिव। नेल्को अबाउट 972 एंड सेनेट करंट मार्केट प्राइस अभी 244 रुपए है और सस्टेनिंग 247 हमारे को इसके अंदर बाई के अंदर अपने ऑप्शंस देखने चाहिए। सेल साइड के ऊपर मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा 88 रुपए से नीचे, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आज एक मेजर डाउन पोजीशन के ऊपर आया, 2532 भी अगर ये लेवल तोड़ता है तो वी कैन बी ऑन ए सेल साइड। आईशेयर बिलो 2712, फाइजर बिलो 5270, ओब्राय रियलिटी बिलो 907, वॉच दिस स्क्रिप्ट केयरफुली, इट कैन बी ए स्विंग सेल। मदरसन सुमी बिलो 230, अंबुजा सीमेंट बिलो 390, बर्जर पेंट्स बिलो और ब्रेकिंग 823। सो दिस इज फॉर 20th of October। डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन एनालिसिस, कंसल्ट योर ओन टेक्निकल फंडामेंटल एंड एनालिस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।